बड़े बुजुर्गों से एक कहावत सुनी है कि अगर भला का संग हो तो सब काम भले ही भले होते। और इस कथा में भगवान की संगत है, भगवान की लीलाएं हैं, तो अगर वो साथ है तो वाणी में भाव आ सकता है, क्योंकि संगत बहुत जरूरी है। यह सभी के लिए है, खास करके जो युवा वर्ग है, कि कई बार माता पिता और बच्चों के बीच का झगड़ा यही होता है कि कई माता पिताओं को बच्चों के दोस्त अच्छे नहीं लगते, कि वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो कई बार बच्चे जवाब भी देते हैं कि कई होता है कि कुछ ऐसी हरकतें दोस्तों की होती है जो ठीक नहीं होती, तो बच्चे कहते हैं हम थोड़ी वैसा कर रहे हैं, हमारी तो सिर्फ दोस्ती है, अभी नहीं कर रहे, करोगे। क्योंकि संगत ऐसी चीज होती है, आप जितना ज्यादा समय जिन लोगों के बीच बिताते हैं, धीरे धीरे आप वैसे कार्य करने लगते हैं, वैसा सोचने लगते हैं, वैसे बनने लगते हैं। इसलिए अगर जीवन में सच में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्ती का मतलब सिर्फ मौज मस्ती नहीं होता, क्योंकि उनके साथ हम काफी समय बिताते हैं, तो उनका स्वभाव कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी सोच कैसी है, ये भी मायने रखता है। अगर उनकी सोच ज्यादा कुछ बड़ा करने की नहीं है, सिर्फ मौज मस्ती करने, हम भी उतना ही करके रह जाएंगे। जिनको ऐसा जीवन चाहिए वो कर सकते हैं, पर जिनको सच में कुछ अच्छा करना है जीवन में, उनको अपने संगत पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या बनते हैं, क्या सोचते हैं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभाव डालने का आपकी संगत पे होता है। इसलिए हमेशा से जो बड़े हैं, वो जो ज्ञानी है, जो अनुभवी है, वो आपसे कहते हैं आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। आधी जिंदगी तो संगत से ही सुधर जाती है। तो यहां पर भगवान की संगत है हम सभी के साथ 7 दिनों तक, तो संगत का आनंद लेना है, उससे बहुत कुछ सीखना है।